إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم اب شروع میں شروع کریں یہ جو رب الاول کے جو میلاد مناتے ہیں تو اس سے کیسا بچا جائے रबी अल्लाह की जो मीलाद मनाते हैं बचा कैसे जाए। आप यहाँ आज बैठे हैं, हमारी मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सुन लिया कि ये बात यहाँ क्या है, इसकी हकीकत क्या। मैंने ये मुख्तसर रखा कि अगले महीने में हमारे उलमा इकराम बयान करेंगे। जब आपके दिल में ये बात आ जाए कि ये सही नहीं है तो आप बचिए, अपने घर वालों को बचाइए, और जहाँ आपका हल्का असर काम करता है, ये तो जरूरी नहीं है कि आप सारी दुनिया को बता सकेंगे। वैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत आसान हो गया, आप अपने घर में बैठ के एक अच्छा मैसेज बनाइए, बाद तरीके से मैसेज को वायरल कर दीजिए, सारी दुनिया में आज चला जाता है। लेकिन कोई भी ना सुने, कोई भी ना पढ़े आपका मैसेज, आप तो समझ गए, आपके घर में तो ये बात नाफज कर सकते हैं, इतना काफी है। अगर हर आदमी अपने घर से शुरू कर दे तो समझे कि पूरे माशरे में वो बात को ना कर सकता। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस है, दोनों में हदीस है। दूसरा मेरा कमेंट है कि मैंने एक अपने साथी से गुफ्तगू की थी की वफात के सिलसिले से, हमारे यहाँ बातों में ये तबका जो है, ये मकतबे फिक्र है बाकायदा, उनके नजदीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हुए। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। उनके लिए मैं दो तीन चीजें सिर्फ जिक्र करता हूँ, लंबी बात की जरूरत नहीं है। क्या हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर हैं, क्या वो दुनिया के किसी भी शख्स को इजाजत दे सकती थी कि मेरे बाप पर मिट्टी डाल दो? नहीं, ऐसा मुमकिन था? नहीं था। खुल्फा राशिदीन चारों जिंदा थे, मौजूद थे, और सहाबा किराम की एक बहुत बड़ी जमात मौजूद थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कते थे। क्या उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र बनाई या नहीं बनाई, दफन किए गए या नहीं दफन किए गए, हमें पता नहीं। मैंने पहले शुरू में कहा ना कि कम अकली की इंतहा है जिस शख्स के बारे में ये कहते हैं कि वो फौत नहीं हुए। हम एक एतबार से तो मानते हैं कि आपका इलम, आपका दिया हुआ दीन, आपकी दी हुई शरीयत, आपका फैलाया हुआ ये नूर, ये मौजूद है, क़यामत तक रहेगा। लेकिन आपकी ज़ाते गिरामी दुनिया से गई, इस बात को ना मानने वाले की कम अकली की भी इंतहा है। आपको क्या जिंदा दफन कर दिया गया? क्या आप पर जिंदा होने के बावजूद आपको कब्र में दफन करके मिट्टी डाल दी गई? और फिर आप एक सवाल अचानक किसी से पूछें आज के बाद, कभी भी आप उसी आदमी से किसी वक्त पूछना जब बात जरा थोड़ी आई गई हो जाए, उसे पूछना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी। आप सवाल सिर्फ इतना रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी। आपको 99% लोग अचानक यही कहेंगे 63 साल। तो भाई 63 साल फिर क्यों हो गए जब आप जिंदा हैं? जिंदा आदमी की तो उम्र गिनी नहीं जा सकती। जिंदा आदमी के बारे में ये कहा जा सकता है कि भाई आज आपकी उम्र कितनी है,
नबी सलम तो आज नहीं है, 63 हुई तो इसका मतलब है कि 63 साल के होके आप दुनिया से तशरीफ ले गए। तो ये ना मानने वाली बात जो है ना वो कम अकली का नतीजा है। और इसको बड़े बड़े उलमा ने बड़े अजीब रंग दिए, कहते हैं कि ये जो है ना इन्ना का मैयत, ये भी साथ जहन में रख ले, कुरान करीम में है इन्ना का मैयत व इन्ना हुम मैयतून, तुम भी मैयत हो जाओगे, और ये चूंकि कुरान में नाज़िल हुआ है और ये सब लोग भी मैयत हो जाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुतबा दिया, हजरत उमर फारूक ने इनकार कर दिया, जैसे ये आदमी कर रहा है ऐसे हजरत उमर फारूक ने इनकार कर दिया, कहा कि जिसने ये कहा कि नबी फौत हो गया मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा, ये तो बेचारा इतनी जरूरत नहीं कर सकता। वहां तो ये किया गया सहाबा कराम के अंदर खड़े होके, और वो उमर फारूक हैं, अल्लाह ने जलाल दिया हुआ है, अब किसी को हिम्मत नहीं हो रही कि क्या करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला, आए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ ले गए, ये घर पता किसका है, आपकी बेटी का, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में आपकी वफ़ात हुई, वही दफन हुए आपने उसी जगह जिस जगह आपने वफात पाई थी, उसी जगह आपकी नाश मुबारक को हटाकर कब्र खोदी गई, दफन किया गया। और सहाबा किराम में ये इख्तलाफ था कि आप फौत नहीं हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आए, बोसा दिया पेशानी मुबारक पर, और आके लोगों में खड़े होकर कहा उमर बैठ जाओ, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बिफरे हुए गम के साथ, इतना यानी इतना गम ने उन पर अटैक किया कि औसा खता है, एक ही बात जिसने कहा फौत हो गए कत्ल कर दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए कि ये गुस्से में है, जोर में है, ये शायद नहीं बैठेंगे, आपने छोटा सा खुतबा दिया, फौर सारे सहाबा मुतवज्जो हो गए। आपने फरमाया वमा मुहम्मद इल्ला रसूल, वमा मुहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल ही तो थे, कद खलत मिन कबलिहिर रुसुल, आपसे पहले बहुत रसूल आए और दुनिया से चले गए, आफा इमाता और कुदलन पलबतुम अला आकाबिकुम, ये कुरान करीम में मौजूद है। ये आयत पढ़ी कि अगर आप मौत हो जाए, आप शहीद कर दिए जाए, तो क्या तुम अपनी एरियों के बल इस्लाम को छोड़ के भाग जाओगे। ये आयत पढ़ी और साथ एक जुमला और कहा जो सोने के पानी से भी ज्यादा किसी चीज से लिखने के काबिल है, फरमाया मन काना याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात, जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता था वो समझ ले कि उसका रब मर गया है। पूजा का मतलब ये ना कि इबादत करता है, और इबादत रब की है, अल्लाह की है। कहा जो पूजा करता था उसका रब मर गया, वमन काना याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, जो अल्लाह की इबादत करता है उसका रब हमेशा के लिए जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। हजरत उमर फारूक का ये बयान मौजूद है कुतुब हदीस में, कहते हैं कि मुझे यूं लगा जैसे ये आयत वमा मुहम्मदुल्ला रसूल जैसे आज नाजिल हुई है, यानी माना मफहूम की समझ आ गई, हकीकत सामने आंखों से देख ली, कहा कि अब मेरी टांगों में मुझे उठाने की सकत ना रही और मैं दीवार के साथ बैठ गई। ये इख्तलाफ सहाबा के जमाने में आया और उसी वक्त कुरान करीम की आयत से हल हो गया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की फरासत के साथ हल हो गया। जुमला कहा फ़क़द मात मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात, मात का लफ्ज़ वो है अरबों में कि जिसका दूसरा कोई माना होता ही, वफात कहते हैं हमारे यहाँ के, कोई वफात पा गया, कोई कहता है इंतकाल कर गया, और मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज हैं, पर्दा कर गया, ये पर्दा वाली पार्टी है जो नबी को जिंदा मानती है, ये कर गया वो कर गया, हजरत अबू बकर के अल्फाज का दूसरा कोई तर्जमा कर ही नहीं सकता। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब मानता था, इबादत करता था, उसका रब मर गया, माता स्वाय मरने के कोई उसमें, मैंने अर्ज किया ना कि वफात में, इंतकाल में, पर्दे में, ये में वो में कई माने निकलते हैं, इसका कोई माना नहीं निकलता। अब उस वक़्त से ये मामला सहाबा कराम के माबैन इत्तफाक के से, जिसको कहा जाए ना कि इजमा हो गया सहाबा का, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं, इजमा हो गया।
आज एक आदमी उठ के कहेगा नहीं फौत हुए तो फिर इसको क्या करेंगे? हाँ जी, इसमें वो कौन करते हैं जो एक आए थे कि शहीद जो है जो अल्लाह के रहम आए थे उनको मरा हुआ ना कहो वो जिंदा है, तो कहते हैं कि नबी पाक जो है वो तो शहीदों से भी बहुत बेहतर। कहा कि आपकी मौत शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में कहा है कि शुहदा को मुर्दे ना कहो, ला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबिल्लाह अमवात बल अहयाउन। आगे जो अल्फाज है ना इन्नल्लाह युर्ज़िकुम के अलावा एक है वो अंतुम ला तअलमून, वो जिंदा है लेकिन उनकी जिंदगी क्या है तुम नहीं जानते। अब अगर शहीद जिंदा है जिन मानों में ये जो हमें समझाना चाहते हैं, अगर इन मानों में जिंदा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी बीवी बेवा नहीं हुई, शहीद की बीवी फिर बेवा नहीं हुई, और शहीद की बीवी को दूसरा निकाह कतन नहीं करना चाहिए, जबकि शुरू से लेकर यह चला आ रहा है कि शहीद की बीवी को अमूमन कोई ना कोई मुजाहिद अपने निकाह में ले लेता है ताकि बच्चों की कफालत हो जाए, हमारे भाई की बीवी की कफालत हो जाए। अगर हर शहीद को उन्हीं मानों में जिंदा लिया जाए तो फिर ये निकाह क्यों होता? और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बीवियों के बारे में कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म नाज़िल कर दिया कि ये तुम्हारी माएँ हैं, नहीं तो शायद वो भी निकाह दूसरे कर दे। अब माँ से तो कोई निकाह कर नहीं सकते, उम्महातुल मोमिनीन है, उनका ये कहना कि शहीद को जिंदा ना करो बिल्कुल सही, शहीद को मुर्दा ना कहो ये बिल्कुल सही है, वो जिंदा है लेकिन उसकी जिंदगी को हम नहीं जानते, वो कहाँ जिंदा है? अगले जहान, वो पर्दे असली पर्दे में है जिसको बरज़ख का पर्दा कहा जाता है। हमारे यहाँ तो पर्दे को भी बड़े मानों में लेते हैं ना कि फलाह सरकार पर्दा फरमा गए, तो वो क्या पर्दा फरमाते हैं आपको मालूम है कि वो क्या लेते हैं माना उसका? शहीद वो मतलब थोड़ा सा बताएंगे, मैं मेरे में ये बात नहीं, मैंने ये आपको अर्ज किया था शुरू में दरमियान में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हुए थे, वफात पाई मौत शहादत, लेकिन ये मौत शहादत क्यों है? क्या सिर्फ शहीद वो है कि जो मैदान जंग में लड़ते हुए मारा गया? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत सारी शहादत की किस्में बयान की हैं, और ये एक तवील मसला है जो मबतून, सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं जो पेट की बीमारी से मारा गया। अब ये तो मेरा ख्याल बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा है, जबकि हम तो खा खा के कुछ इस तरह करते हैं, अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत नसीब करे। मबतून यानी बदन और पेट की बीमारी से मर जाए शहीद, और हदम जिसके ऊपर दीवार मकान गिर जाए नीचे आके मर जाए शहीद, वो औरत जो बच्चे को जन्म देते हुए फौत हो जाए डिलीवरी में वो शहीद, गरीक जो डूब के मर जाए वो शहीद, हरीक जो जल के मर जाए वो शहीद, और जो सिल की बीमारी से मर जाए, ये कोरोना में मरने वाले मुसलमान इंशाल्लाह सब शहीद जी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी औरत ने जहर दिया था, ये है असल खाना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जहर को उसी वक्त हुक्म दिया कि बताओ, उस लुक्मे ने कहा कि मुझ में जहर है, आपने एक लुक्मा जो थोड़ा मुँह में डाल लिया था उसका असर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में मौजूद है कि मैं कभी कभी उस जहर का असर अभी भी महसूस करता हूँ, लेकिन अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने काम लेना था नबी से, 63 साल पूरे होने तक वो असर नहीं आया, वफात के करीब जाके आपने फरमाया कि अब फिर वो जोर कर गया। तो यहूदी औरत के हाथों जब आप जहर दे के मारे जाएंगे या कत्ल किए जाएंगे तो वो मौत शहादत है ही जी। चलिए दुआ में याद रखिए, अल्लाह करे कि ये सिलसिले कायम रहें, और ये मुलाकातें बजाय महीने के हफ्ते हफ्ते हुआ करती थी, हफ्ते हफ्ते हो जाए करें। अल्लाह ताला आपका आना यहाँ बैठना कबूल फरमाए। सलात फजर, सलात मगरब, इशा में जैसे सूरह फातिहा पढ़ी जाती है तो आखिर में पीछे जो है सब आमीन कहते हैं, और हमारे मुल्क में जो है ना ऐसा नहीं है कि वो आमीन नहीं है, इसका
क्या हाल है इसका जो है ना, जो हमारी उधर नमाज होती है कि नहीं, हम अमीन उधर कोई भी नहीं कहता। नहीं, पहली बात ये कि क्योंकि मसला तो है ना हमारे पाकिस्तान में, तो बड़े जोर से ये मसला चल रहा है, चलता रहता है, बल्कि लड़ाइयाँ तक होती हैं इस मसले में। ऊंची आवाज से आदमी क्यों कह दिया और तुमने ये रवैया क्यों कर दिया? नमाज जनाज़ा पर एक बात कर ले पहले कि क्या आमीन कहना चाहिए या नहीं, पहला सवाल हुआ ना ये। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन खुद फरमाया करते थे, आमीन खुद कहते थे, और सहाबा किराम आपके पीछे आमीन कहा करते थे, और कुतुब हदीस में ये बात एक तो नहीं, बहुत सारी रिवायत में आई है कि आमीन कहना चाहिए, आमीन कहने का अजर व सवाब है, और जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई वो आदमी बख्शा गया। अब अगर एक आदमी दिल में, इस हदीस को ले लें आप, एक आदमी दिल में ही आमीन कहता है तो फरिश्तों से उसकी आवाज कैसे मिलेगी? फरिश्तों की आवाज हम तो नहीं सुनते, लेकिन वो आमीन कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई, वो बख्शा गया, अल्लाह ने उसको बख्श दिया। और सहाबाए कराम के नमाज पढ़ने का अंदाज मौजूद है कि सहाबाए कराम जब वलवालीन के बाद आमीन कहते तो उससे यरतज बिहल मस्जिद, मस्जिद गूंज जाती। अब मस्जिद गूंजेगी कैसे? मैं इस कमरे में जो चाहे करता रहूं, जितने जोर से भी बोलता रहूं, कोई गूंज बनी है? नहीं, कोई गूंज नहीं, एक आवाज। और मेरे साथ सारे मिलकर आप एक मरतबा आमीन अभी कहें, इसी वक्त गूंजा कमरा या नहीं? ये गूंज सहाबा किराम के नमाज के दौरान मस्जिदों से मिलती थी। और इस मौजू पर मेरी किताब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी किताब मतबू है, मौजूद है। आप निकलते हुए मुझे अपना नंबर दे के जाए, मैं आपको किताब भेज देता हूँ ताकि सब लोग का ज्यादा वक्त जो है इसमें लगे। सारे दलाइल इंशाल्लाह आपको मिलेंगे, आमीन कहने के लिए भी और न कहने के लिए उनकी जो दलीलें हैं उनका भी जवाब मिलेगा कि वो क्या कहते हैं। आपका जुमे का जो है हम अपने ग्रुप में भी भेजते हैं, जो खुतबे का ट्रांसलेट करते हैं। हाँ जी, क्या फरमाया आपने? भाई ने सवाल किया, मुझे अपना सवाल याद आया। ये सूरह फातिहा के लिए हमारे मस्जिद के इमाम वक्फा नहीं करते, हालांकि वो अरबी है, वो सूरत में हमें सूरह फातिहा कैसे पढ़ते हैं? अच्छा, ये जो सवाल है ये दोबारा के दूसरा सवाल है ना, पहला इनका आमीन के बारे में था, अब ये है कि सूरह फातिहा के बारे में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी अहदीस मौजूद हैं कि आप सहाबाए किराम को कहते हैं ला सलाता लिमन लम यक्रा बिफातिहतिल किताब, जो आदमी सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। अब कुछ लोग कहते हैं कि इमाम के पीछे वाली बात अलग है, मुख्तदी की अकेले की अलग है, खुद इमाम की अलग है, तो उसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद सही मुस्लिम में मौजूद है। आपने सहाबाए किराम को जमात कराई, एक आदमी पीछे साथ ही आपके कुछ ना कुछ पढ़ रहा था, सूरह फातिहा तो सारे पढ़ते हैं, वो कुछ थोड़ा आवाज के साथ पढ़ रहा था। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो फरमाया कि क्या तुम में से कोई मेरे पीछे पढ़ता है? उस सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह, हाँ मैंने पढ़ा है, यानी पढ़ते से मुराद के आवाज के साथ मैंने पढ़ा है। फरमाया मैं भी कहूं माली उनाजा उल कुरान, क्या वजह है कि मुझे कुरान में रुकावट यानी डिस्टर्बेंस हुई ना? आप यहां अभी खड़े होके कोई भी आदमी बोलना शुरू कर दे और साथ दो आदमी आपस में बात करें, आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा फौर। तिलावत के दौरान आदमी को दूसरे की आवाज भी आना शुरू हो जाए तो डिस्टर्ब हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं भी कहूं कि मुझे तिलावत के दौरान ये डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? जब ये मामला आपने सुना देखा तो साथ ही फरमाया ला तकरउ शैअन इल्ला बिफातिहतिल किताब, जब तुम किसी इमाम के, आप उस वक्त जमात करा के हटे थे ना, उस वक्त आप इमामत करा के हटे हैं, ये नहीं है कि आप अकेले थे, ये नहीं है कि वो आदमी अकेला था, बल्कि जमात जमात में से उस आदमी ने पढ़ा था, तो आपने फरमाया ला तकरउ शैअन इल्ला बिफातिहतिल किताब, सूरह फातिहा के अलावा कुछ ना पढ़ा, यानी सूरह फातिहा तक आ गए, आगे इमाम ने शुरू कर दिया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, मुझे आता है मैंने भी शुरू कर दिया,
शाहसत्तार साहब को आती है, उन्होंने भी शुरू कर दी। जिस जिसका पीछे से डिफरेंस था उस इमाम क्या करेगा, परेशानी होगी या नहीं होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक तो ये कि मुक्तदी का ये हक नहीं है कि आवाज से पढ़े, ये इमाम का काम। दूसरा ये कि सूरह फातिहा के आगे कुछ नहीं पढ़े। अब इस हदीस में इमाम के साथ हो या अकेला हो, वाज़ह आ गया ला सलाता लिमन लम यक्रा बिफातिहतिल किताब, जो आदमी सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। अब रहा मसला ये कि सूरह फातिहा पढ़ने के लिए जो आप कह रहे हैं ना, हमारी मस्जिद का इमाम, हर आदमी को अपनी मस्जिद के इमाम का पता है। कुछ इमाम ऐसे हैं कि वो अच्छा वक्फा देते हैं कि आदमी पूरी फातिहा आराम से पढ़ सकता है। आप जुमा में होते हैं ना, कभी आते हैं, कभी आते हैं जुमा में। जो लोग हमारे साथ होते हैं इनको मालूम है कि जुमे की नमाज हजारों लोग होते हैं और इमाम साहब बाकायदा उसमें आमीन के बाद बाकायदा वक्फा देते हैं अगली सूर शुरू करने से पहले, ताकि जिसने फातिहा पढ़नी है पढ़ ले। अब ये हो गई एक जगह, इसमें आपका इमाम जगह नहीं दे रहा। अब दूसरी जगह सुन ले। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर मारूफ, बरसग़ीर पाक और हिंद में अगर ये कहा जाए कि इलम का बूटा लगाया तो उन्होंने लगाया। उन्होंने ये बात लिखी है कि मुझे बहुत पसंद या मुझे सबसे ज्यादा पसंद ये है कि आदमी इमाम के वक्फों में फातिहा पढ़े, सकतों में। वक्फा सकता क्या है, इमाम पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अब वो सांस लेगा ना थोड़ा। ये सारे तेज गाम जितने तेज इमाम के नहीं होते ना कि अल्हम्दुलिल्लाह से ले वलद्दालीन तक एक एक सांस में निकल जाए। सुन्नत के मुताबिक एक एक आयत पढ़ रहा है इमाम, एक पढ़ता है आयत सांस लेता है, उसके सांस लेने के दौरान आप पढ़ लें, सुन भी लिया पढ़ भी लिया, दोनों काम हो गए, इमाम डिस्टर्ब नहीं क्योंकि हमने बुलंद आवाज से पढ़ा नहीं। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे नजदीक सख्तों में वक्फों में पढ़ना ज्यादा अफजल। अगर आपका इमाम उस वक्त जगह नहीं देता तो यहां कर लें। अब एक इमाम ऐसा है जो हमारे इमाम तरावी होते हैं पाकिस्तान इंडिया में, वो इतने स्पीडी तेजगाम, मैं नाम लिया था पहले इसीलिए कि वो तेजगाम हमारी गाड़ी है, पाकिस्तान में गाड़ी है उसका नाम तेजगाम है। तेजगाम यानी बहुत तेज चलने वाली, फारसी का लफ्ज़ है तेजगाम। तो अगर कोई इमाम तेजगाम है वो कोई रास्ते में किसी को सांस भी नहीं लेने देता ना खुद लेता है, गुजारा कि अब क्या करेंगे। अल्लामा रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बरसग़ीर पाक हिंद के मशहूर हनफी उलमा में से, हदीस नहीं, मशहूर हनफी उलमा में से कहते हैं कि सूरतुल फातिहा की इतनी फजीलत और अहमियत है कि अगर इसे और कुछ नहीं और कोई जगह नहीं मिलती तो इसे महल्ले सना में पढ़ लें। महल्ले सना कौन सी है, जिस वक्त अल्लाह अकबर सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका, ये सना है ना, सना तो सारे जानते हैं, हमारी छोटी पाकिट से नमाजों तक में लिखा होता है सना रफा रहा। वो कहते हैं कि महल्ले सना यानी सना छोड़ दो क्योंकि वो सुन्नत है, फातिहा पढ़ लो क्योंकि ये वाजिब है। अब अल्लाह अकबर और यानी महल्ले सना में पढ़ ली, फातिहा इमाम ने पढ़ी, आगे पढ़ा कलाश कोई नहीं ना, और सत्ताफ में पढ़ ली कलाश कोई नहीं, आमीन के बाद पढ़ ली कलाश कोई नहीं, लेकिन इनमें से कोई किसी भी जगह पर जगह नहीं दे रहा। अल्लाह अकबर वो फातिहा शुरू कर देता है, वही तरावी वाली पार्टी। अगर ऐसा है तो उसके साथ साथ पढ़ते जाइए और सुनते भी जाइए। सुनना कानों से है, पढ़ना जबान से है, लेकिन आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। इसका तरीका हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया है, सहाबी रसूल हैं। वो कहते हैं कि हदीस में ये बात मौजूद है, किसी ने कहा कि हज़रत जारिक उनके शगिर्द ताबई हैं, ताबई शगिर्द कहता है कि हज़रत अगर इमाम कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, सूरह फातिहा बुलंदबाज़ से पढ़ रहा है तो हम कैसे पढ़ें। अब वहाँ ना वक्फे की बात है, ना सना की बात है, ना आमीन के बाद की बात है। मुतलक सवाल किया कि इमाम करात कर रहा है हम कैसे करें, उन्होंने कहा इक़रा बिहा फी नफ्सिका या फारसी,
तालिब इलम जो है वो फारसी है, सलमान फारसी इलम भी थे ना, तो उनके बाद वाले कुछ लोग फारसी होंगे। इकरा बिहाफ नफ्से का या फारसी, ए फारसी तुम सूरह फातिहा दिल में पढ़ो। अब दिल में पढ़ना, यहां भी एक बात है कि हमारे यहां लोग समझते हैं कि ना होंठ हिले ना जबान हिले, मुंह बंद है, कुछ अंदर ही अंदर कर रहा है, वो किरात नहीं होती। कुरान करीम भी बाद लोग गलत तरीका अख्तियार किए हुए हैं, खोल लिया आगे रख लिया, होंठ भी बंद है जबान भी बंद है और कुरान पढ़ रहा, इसको तिलावत नहीं कहा जाएगा, किरात नहीं कहा जाएगा, इसका स्वाब नहीं होगा। ये बात नोट कर ले सारे, आगे भी पहुंचाए। किरात का लफ्ज जो है ना वो तब आएगा जब होंठ हिलेंगे, जबान लफ्ज अदा करेगी, तब होगा किरात। जो ये किया जा रहा है वो क्या है, वो तसव्वुर है, दिलो दिमाग में तसव्वुर ला रहा है कि ये चीजें मेरे सामने हैं, लेकिन उसको तिलावत नहीं कह सकते, उसको किरात नहीं कह सकते। तिलावत किरात तब होगी जब जबान और होंठों के साथ अदा करेगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमाते हैं, इक़रा बिहा फी नफ्सिका, या फारसी, ऐ फारसी तुम फातिहा को अपने दिल में पढ़ लो, यानी बगैर आवाज के पढ़ लो, पढ़ो जरूर लेकिन बगैर आवाज के। तो ये सहाबी रसूल का बताया हुआ तरीका है, सूरह फातिहा को पढ़ने के चार तरीके, चार जगह मौजूद हैं। अब कोई पढ़ने वाला हो तो कोई मसला नहीं है, जब हम जरा सा सुनते हैं कि नहीं जी इमाम के पीछे ना पढ़े तो हो जाती है, हमारा मामला ख़त्म हो गया। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी नमाज बगैर फातिहा के नहीं होती। हमारे भाई एक सवाल करने लगे थे, इत्तेफाक से मैं जहन में आ गया, वो कह रहे थे कि जहाँ जनाजे के वक्त लोग कानों को हाथ लगाते हैं, हमारे यहाँ नहीं लगाते, ये कोई मसला नहीं है। यहाँ भी अगर कोई लगाता है तो गलत करता है, और पाकिस्तान में अगर नहीं लगाता तो वो सही करता है, क्योंकि कानों को हाथ लगाना जरूरी है। हदीस में जो रफाई दैन का जिक्र है ना, उसके लिए जब आप नमाज शुरू करते हैं, ये रफाई दैन नहीं है, ये साथ लगाना जरूरी नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप हाथों को कहाँ तक उठाएं, हदवा मनकिबे, मनकिब कंधा, यानी आपने हाथों को कंधों के बराबर उठा लिया, और अगर थोड़ा सा ऊंचा करेंगे तो कानों के बराबर हो गया ना जी। दोनों लफ्ज हदीस में मौजूद है, हदवा मनकिबे है, हदवा उदुनै, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधों के बराबर या अपने कानों के बराबर, यानी थोड़ा नीचे हो गया तो कंधों के बराबर आ गया, और ये नीचे भी कितना होगा आप अंदाजा कर लें कि मैंने पूरा खींच के नीचे किया हुआ है, हाथ कंधों के बराबर है या नहीं है। और जो आदमी ये रफाई दान करते हैं, ये हाथ बांधे हुए हैं, अब देखेंगे नमाजियों की भी तो बहुत सारी नस्लें, तो नहीं कहना चाहिए बहुत सारी किस्में हैं, है? इसलिए कहा नस्लें तो नहीं कहना चाहिए, नमाजियों की बहुत किस्में, ये हाथ बांधा हुआ ऐसे ही। अब ये रफाईदान शुमार नहीं होगी, रफाईदान कहाँ शुमार होगी, जब कंधों के बराबर आएगी या कानों के बराबर आएगी। आपने ये इशारा कर दिया, खामखा लोगों की बातें भी सुननी पड़ी, वो इशारा लोग तो समझ जाएंगे कि ये क्या कर रहा है, लोगों को मालूम है कि ये वहाबी है, ये रफाईदान कर रहा है, गाली भी सुन ली और किया भी कुछ भी नहीं। जब गाली सुनना ही है तो कम से कम कुछ करके दिखाओ, रफाई दान हाथ पूरा उठाओ या थोड़ा ऊंचा कर लो। और कई लोगों को देखा गया कि वो हर बड़े ज्यादा ही ऊंचे चले जाते हैं, सिर्फ कानों तक आ जाए काफी। ये जो दुआ मांगने का ताल भी आप जानते हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दुआ मांगी सीने के सामने हाथ, मुंह के सामने, सीने के सामने। और जो दुआ है दुआ इस्तस्का, उसमें आपकी बगलें नजर आ, यानी हाथ खोल दिया। आप देखेंगे लोगों को दुआ मांग रहे हैं मस्जिद में जी। हर काम के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब सिखाया, हमारे यहाँ उस अदब की परवाह नहीं, हमें बस कुछ थोड़ा सा इशारा कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए। अजीब गरीब अंदाज से मन दुआएं मांगते हैं, पर कबूल भी तो उसी तरह की होंगी ना जी। तो जो जनाजे के सिलसिला में बात है,
वो सिर्फ हाथ लगाने वाली बात काफी नहीं है, असल बात यह है कि जनाजा कैसे पढ़ा जाए। ये तो मान लेते हैं कि रफाई दान का मसला है, हाथों को कान लगाना साबित नहीं है कतअन, ना नमाज जनाजा में, ना नफलों में, ना सुन्नतों में, ना वितरों में, ना फर्जों में, ना इस्तिस्का में और ना खसूफ में, ना कसूफ में, यही नमाजें हैं ना, किसी में साबित नहीं है। हाथ कंधों तक आ गया ठीक हो गया, कानों तक चला गया ठीक हो गया, अंदर थोड़ा हो जाए बाहर हो जाए मसला कोई नहीं, लेकिन ये कि कम अज कम कंधों तक आ जाए। एक बात जो हमारे यहाँ बड़ी मशहूर है कि आदमी फौत हो गया, जनाजे में आ गए, और मैं ये बहुत दफ़ा कहा करता हूँ कि हमारा प्यार बड़ा अजीब है, अपनी बीवी को सारी उम्र हम प्यार के नाम से इतना धोखा देते रहते हैं ना, आई लव यू आई लव यू, इसके आई लव यू का पता चलेगा आज, बीवी फौत हो गई है, इसको पूछो कि इसको दुआ जनाजा आती है या नहीं, बात नोट करें सारे, इसका सारी उम्र उसको धोखा देते रहना आई लव यू वाला, तुम क्या दे के भेज रहे हो अपनी बीवी को, फौत हो गई बेचारी, और बीवी अगर यही अल्फाज कहती रहती है तो ये शौहर को क्या दे के भेजेगी, माँ को कोई क्या देगा, बाप को क्या देगा, अपनी प्यारी औलाद को क्या देगा, सारी तो फौतें होती है ना, मौतें तो हर तरह की होती रहती है, हमारी जिंदगी इतनी गलत जगह पे मसरूफ हो चुकी है कि बड़ी अहम चीजें हमें नहीं आती। और आज किसी को जरा कहो भैया दुआ जनाजा याद कर लो तो अजीब किस्म का, नहीं जी वो हमारे मौलवी साहब ने कहा है अगर दुआ जनाजा नहीं आती तो 3 मरतबा बुलवाना पड़े, पीर भी उसी तरह के और मरीद भी उसी तरह के, कहा कि चलिए हमारी जान छुट्टी कुलवाला तो आती है ना, हत्ता के दुआए कनूत नहीं आती लोगों को, कनूत वितर नहीं आती, क्योंकि मौलवियों ने हमें झांसा लगाया हुआ है कि 3 मरतबा कुलवाला पढ़ लो काफी, जबकि ये सारी बातें गलत है, इस तरह कुलवाला ये कुलवाला कुरान करीम इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सजदे में पड़े कुलवाला पढ़ेंगे स्वाब होगा, अभी तो ये भी मसला क्लियर कर दूं मैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला खबरदार इन्नी नुहीतु अन अक्रा अल कुरान राकिअन औ साजिदन, खबरदार हो जाओ मुझे रुकू और सजदे की हालत में कुरान पढ़ने से मना किया गया। अब दूसरी हदीस अक्रब मायकुन अल अब्द मिन रब्बिही व हुवा साजिद, बंदा अपने रब के करीब तरीन उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। अब बंदा रब के करीब तरीन है और वो कहे कि मैं तो अब इसका कलाम पढ़ता कुरान करीम पढ़ता, नबी अकरम ने फरमाया नहीं मुझे इससे मना कर दिया गया है, रुकू में सजदे में कुरान नहीं होगा। इसी तरह हमारे यहाँ एक कोई एक बात है, जहाँ चाहे जो चाहे जहाँ चाहे लगा ले, जहाँ लगाना है एक चीज़ को वहाँ नहीं लगाते, जहाँ उसकी जगह नहीं वहाँ फिट करके रखा हुआ है। इस जनाजे में सूरह फातिहा है या नहीं है, नहीं मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैंने मतलब पूछा है कि इसमें सूरह फातिहा है या नहीं, आप लोगों के इल्म का तो पता चलना चाहिए ना, पाकिस्तान में मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ क्या होता है मुझे बहुत मालूम, नमाज सूरह फातिहा ही। अब आप ये जहन में दौड़ाइए जरा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, ये हदीस कुदसी होती है, हदीस कुदसी में ये आया कि जब मेरा बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो अल्लाह क्या फरमाता है, हामिदानी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की, अर्रहमान रहीम मज्जदनी अब्दी मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ने बंदे ने अपने रब की तारीफें की, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिस वक्त इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो अल्लाह फरमाता है कि ये बैनी व बैना, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आला है, वो कहता है कि मैं तेरी बात करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ, मेरे और मेरे बंदे का आगे दुआएं हैं, और फरमाया कि मेरा बंदा जो मांग रहा है मैं इसको दूंगा। इसके शुरू में क्या है, इसके शुरू में है कसम तो सलाता बैनी व बैना,
मैंने नमाज अपने और बंदे के दरमियान तकसीम कर दी है, आधी मेरी और आधी मेरे बंदे की, जैसे कि ये अल्फाज गुजरे हैं। कसम तो सलाता, मैंने नमाज को बंदे के और अपने दरमियान तकसीम कर दिया, और आगे जो तफसील आई है उसमें क्या आया है, सूरह फातिहा। इसका मतलब ये हुआ कि सूरह फातिहा ही नमाज है, जिस नमाज में फातिहा ही नहीं तो क्या वो नमाज कहलवाने का हकदार होगी? हमारे यहाँ जनाजे में फातिहा नहीं पढ़ते, सुभान अल्लाह हम वाबे हम्द का पढ़ते हैं, कोई हदीस दिखा दे, किसी हदीस में ये नहीं आता। सुभान अल्लाह ये जनाजे में है ही नहीं, वो हमारे मौलवी ने रखवा दी, और फातिहा है वो निकलवा दी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो जहां चाहे लगा देते हैं, जो चाहे यहां से उखाड़ के रख देते हैं, मरने के बाद उसके घर में जाके बैठते हैं, जी पढ़िए फातिहा, और आगे पढ़िए फातिहा। यहां बार बार फातिहा पढ़ रहे हैं, यहां फातिहा का कोई मकाम नहीं है, यहां फातिहा का कोई जिक्र नहीं, फातिहा का कोई ताल्लुक नहीं, यहां ताजियत है। आप आए हैं, घर वाले को आप कहें कि भाई सभी ने मरना है, मौत थी आ गई, अल्लाह का हुक्म नाफज हो गया, चार कलमे अच्छे कहें, उसको हौसला अफजाई करें, यह है ताजियत। हमारे यहां ताजियत नहीं, कुरान बख्शने आ जाते हैं, पढ़िए फातिहा पढ़िए फातिहा। कोई आदमी कुरान सुन्नत से साबित कर दे कि यहां सूरह फातिहा का जिक्र है, नहीं मिलेगा। जहां पढ़नी थी वहां छोड़ के आ गए, जनाजा में पढ़नी थी वहां पढ़ी नहीं, जहां उसका कोई ताल्लुक नहीं, वहां हर आदमी फातिहा, और फातिहा के साथ वो एक हाजिरी लगवाने वाला सिस्टम भी होता है, दो आदमी इकट्ठे आ गए ना, अंदर आके बैठ गए, मैं और शेख यासर दोनों अंदर आ गए, मिसाल के तौर पर किसी की तादियत में, मैं इनसे जरा थोड़ा बड़ा हूँ उम्र में भी कद में भी, मैं देख पढ़िए फातिहा, सारे फातिहा पढ़ने लग गए, ये किया। और साथ ही मौलाना चूंकि मेरे साथ आए हैं और इनकी आवाज लोगों को नहीं गई, अब ये भी कहेंगे एक मरतबा, ये एक मरतबा फिर पढ़िए फातिहा, हाजिर लगाने वाली बात हुई ना, जहां पढ़नी थी वहां छोड़ आए, जहां नहीं पढ़नी वहां जोड़ दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आप सब लोगों को सही दीन की समझ अता फरमाए। देखिए अच्छा, ये खुतबा जब जुमा का खुतबा हो रहा होता है तो उसी वक्त कई लोग नमाज कोई पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा। खुतबा जुमा के दौरान नमाज पढ़ना सुन्नत दो रकत वो जरूरी है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ ये मशहूर है, पाको हिंद की बातें करें तो फिर वो सारी चीज़ें आती हैं, हमारे यहाँ मशहूर है कि आएंगे तो बैठ जाएंगे, जब खुतबा मसनूना असली शुरू होता है तो उठ के पढ़ना शुरू हो जाता है। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इज़ा दखला अहदुकुम अल-मस्जिद फला यजलिस हत्ता युसल्ली रकअतैन, तुम में से जब कोई मस्जिद में दाखिल हो तो दो रखते पड़े बगैर ना बैठे। जुम्मा में भी तो मस्जिद में दाखिल हुआ ना, इमाम खुतबा दे रहा है, वो अपनी जगह है, आप दो रखते पढ़िए। इसको नहीं मानते, कहते हैं जी नहीं वो आम आम औकात की बात है, ठीक है। अब दूसरी हदीस देख लें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, एक सहाबी आया अंदर आया और आके बैठ गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला ही था, क्या तुमने दो रखते पढ़ ली हैं? वो कहता है नहीं, तो मैं कुम फसल्ले फौजिस, उठो तीन लफ्ज़, कुम उठो फसल्ले नमाज पढ़ो, फौजिस मुख्तसर करो। अब ये नहीं कि उठे हो तो तुम्हें यासीन याद है, तुम यासीन पढ़ना शुरू कर दो, मुख्तसर सी दो रखते पढ़ो। ये है तहय्यतुल मस्जिद, इसका ताल्लुक जुमे से कोई नहीं है, इसका ताल्लुक मस्जिद से। मस्जिद में दाखिल होना है, अगर बैठना है तो ये दो रखने जरूरी हैं, नहीं बैठना खड़े खड़े चले जाना है कोई बात नहीं। इन दो रखतों की इतनी ताकीद है कि उलमा ने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद खुतबे के दौरान पढ़ो, उसका जवाब लोगों ने दिया, कहा जी नहीं, वो मस्कीन आदमी था, गरीब आदमी था, इसलिए लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि लोगों को तवज्जो दिलाएं, ये उठ के खड़ा होगा, लोग इसके कपड़े और लिबास देखेंगे तो इसके लिए कुछ सदका करेंगे। वो भी मान लेते हैं, भाई हम तो मानने के लिए तैयार हैं कि आपने शायद इसीलिए किया होगा
और दूसरी हदीस को कहां लेके जाएंगे जिसमें फरमाया इदा दखला, जब भी कोई दाखिल हो तो वो क्या करे, दो रखते पड़े और फिर बैठे। ये और भी गलत है, पहले आके बैठा गलत, अब उसने खुतबे के दौरान शुरू कर दिया दूसरा गलत। जुमा के दिन ज़वाल नहीं है, अली बात, जुमा के दिन ज़वाल नहीं, जब चाहे दो रखते पड़े, कोई ममानत नहीं। और जुमा के दिन जब आदमी मस्जिद में आता है या हफ्ते को आता है, इतवार को, पीर को, मंगल को, किसी दिन भी आता है, वो मस्जिद मस्जिद है। आपके लिए तहियतुल मस्जिद पढ़ के बैठना जरूरी है, दिन हो रात हो, जुमा हो जुमेरात हो, हर हाल में।